मनाली की फोटो देखी? गजब हो भाई तुम। पहले रोते हो कि देश में लोग मर रहे हैं, सरकार को गलियाते हो, और जैसे ही केस कुछ कम हुए तुमने अपने असली रंग दिखा दिए। कुछ साल नहीं घूमोगे तो कोई आपदा आ जाएगी क्या? माना तुम्हें मौत से डर नहीं लगता, लेकिन बेचारे मनाली मसूरी शिमला वाले लोगों की काहे लगा रहे हो? वो तो अपने घर में बैठे हैं ना, क्यों वहां जाके तबाही मचा रहे हो? और ये वो लोग जो बोल रहे हैं कि थर्ड वेव से पहले घूम के जल्दी से वापस आते हैं, अबे तुम ही हो थर्ड वेव, समझ नहीं आ रही क्या? ओ तुम जो वंडरलस्ट, वही लोग हो ना जो इंस्टाग्राम स्टोरी पर एफबी पोस्ट में देश में हो रही मौतों का रोना रोते हो, सरकार को गालियां देते हो। सुनो, घर में आईना है कि भेज दूं? डेटा चीख चीख के बोल रहा है कि थर्ड वेव आएगी, लेकिन तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे थर्ड वेव नहीं, तुम्हारी जौनपुर वाली बुआ जी आ रही है तुम्हारी वंडरलस्ट की फोटो देखने। क्या लगा रखा है ये माउंटेन कॉलिंग? अबे तुम्हें तुम्हारी गली का कुत्ता कॉल ना करे, माउंटेन क्या खाक कॉल करेगा? और तुम वही लोग हो ना जिनके फोन पे अगर मम्मी कॉलिंग आ रहा हो तो फोन साइड रख देते हो और उसे मिस्ड कॉल में देते हो। माउंटेन की कॉलिंग तुम्हें बड़ा सुनाई दे रही हो। सच बताओ, पहली बार तो माउंटेन कॉल नहीं करता, और अगर माउंटेन कॉल करे भी ना तो तुम्हें तो वो कतई कॉल नहीं करेगा। तुम कोई जॉन अब्राहिम हो रहे हो कि तुम्हारे बिना माउंटेन तड़प रहा है, और तुम अगर वहां पर नहीं पहुंचे तो वो माउंटेन से पिघल के बीच हो जाएगा। सरकार जब लॉकडाउन लगाती है तब रोते हो, जब खोलती है तो खुले सांड की तरह घूमने निकल जाते हो। अबे देश के नागरिक हो, कुछ फर्ज तुम्हारा भी है, ये सब कुछ सरकार ही देखेगी। सच बताओ, तुम लातों के भूत हो, बातों से तो नहीं मानोगे तो तुम्हारा चलान ना सही कटता है। कम से कम तुम्हारा कट के किसी का तो भला हो, नहीं?